तो दोस्तों एमएसईपी के नियम अगर आप तोड़ते हैं तो आपको हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है और आपको आगे का इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2022 को एमएसईपी को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और एमएसईपी के रूल्स रेगुलेशन को लेकर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। अभी ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपने जरूर एक बार वो वीडियो देखना चाहिए। ये फैसला आखिर क्या है और इस फैसले को सुनाने का कारण क्या है और ये पूरा मैटर क्या है, उसको सोचना, सुनना और समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है और हमारे आर्थिक लाभों का सवाल है। सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो डिसीजन आया है, वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर प्रमोशन से इनकार करने वाले कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि नियमित पदोन्नतियों के प्रस्ताव को खारिज करने वाले कर्मचारियों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अगस्त 1999 में जारी कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रदत्त वित्तीय लाभ पाने का अधिकार नहीं है। यानी कि अगस्त 1999 में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था एसीपी को लेकर, उसके जो लाभ आपको मिलने वाले हैं अगर आपने प्रमोशन का इनकार किया तो वो लाभ लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ केंद्र की याचिकाओं पर अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर रेगुलर प्रमोशन की पेशकश की जाती है लेकिन कर्मचारी वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले इससे इनकार कर देता है तो वह वित्तीय पदोन्नति का हकदार नहीं होगा। और केवल इसलिए नहीं होगा कि उसे ठहराव का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि शीर्ष अदालत ने यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रमोशन की ऑफर की जाती है, उसका प्रमोशन आता है, लेकिन उससे पहले ही वो वित्तीय उन्नति यानी कि एमएसईपी का बेनिफिट ले रहा है और वो प्रमोशन का इनकार करता है तो उसे उस बेनिफिट को लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। अब ये फैसला क्यों देना पड़ा, इसका क्या केस था? तो कुछ कर्मचारियों ने 1999 में जो लाभ मिलने वाले थे एसीपी के, उसको लेकर के एक केस दायर किया था और उस केस की सुनवाई के अंतर्गत ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अब समझते हैं कि ये एसीपी और एमएसीपी का पूरा मैटर क्या है। तो दोस्तों 9 अगस्त 1999 में डीओपीटी के तहत एक स्कीम आपको दी गई थी जिसको बोलते थे एसीपी स्कीम, यानी कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। इस स्कीम के तहत क्या होता था कि अगर किसी कर्मचारी को लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसको प्रमोशन भले ही ना मिले लेकिन उसके प्रमोशन के आर्थिक लाभ कुछ निश्चित समय में उसको मिलेंगे। तो सिविल कर्मचारियों के लिए ये 12 साल और 24 साल के अंतराल में था और डिफेंस कर्मचारियों के लिए ये 10 साल के अंतराल में था। ये स्कीम 2009 तक चलती रही, उसके बाद इसमें कुछ नए संशोधन किए गए और इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और इसका नाम बदल के रख दिया गया एमएसीपी, यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। इसके दौरान अब डिफेंस कर्मचारियों को 3 भागों में इसका बेनिफिट मिलने लगा, 8 साल, 16 साल और 24 साल। आप सभी को इसके बारे में पता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एमएसीपी के बेनिफिट से हमारे कई फौजी भाई वंचित रह जाते हैं। उसका कारण यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है कि अगर आपका प्रमोशन आता है और आप उसे अस्वीकार करते हैं लेकिन उससे पहले से ही आप एमएसीपी का बेनिफिट उठा रहे हैं तो आपको इंक्रीजमेंट का यानी कि उस एमएसीपी का बेनिफिट लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। तो आप सभी इस चीज को ध्यान में रखें और उसी हिसाब से अपने प्रमोशन कैडर को लेकर अपने प्लानिंग करें, अपने डिसीजन लीजिए ताकि आपको भविष्य में कोई भी समस्या ना आए और आपके आर्थिक लाभ ना छूटे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाइयों के पास एक सही खबर पहुंच सके और अपने भविष्य का सही प्लानिंग कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नमस्कार, जय हिंद।